तुसी भी विश्वास दे नाल ना मुमकिन नू मुमकिन हुंदा देख सकदे हो। बस यकीन पूरा होना चाहिए, कोई शंका नहीं मन च होनी चाहिए। ताही तो जीसस क्राइस्ट भी कहिंदे सी कि जे तेरे अंदर एक राई दे दाने बराबर भी सच्चा विश्वास है तो तू पहाड़ नू कह दे रस्ता दे दे, तो पहाड़ भी रस्ता छड़ देगा। पर दरअसल जिन्हों रहमत चाहिए ना विश्वास भी उहदे अंदर होना जरूरी है। जिदा कह लो जे मैनू प्यास लगी तो पानी भी मैनू ही पीना पैना है, भुख लगी है तो रोटी भी मैनू ही खानी पैनी है। इसी तरह इंसान यकीन रखे, अपने मालिक दे भरोसा रखे, क्योंकि सर्वशक्तिशाली परमात्मा वो सब तो बड़ी ताकत हर वेले हर पल तुहाडे अंदर अपना काम कर रही है। और जदों तुसीं उत्ते विश्वास करदे हो तो तुहाडा कनैक्शन उहदे नाल जुड़दा है, तो उहदी रहमत तुहानूं मिलनी शुरू हो जाती है। यही गल अज दे समय डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा दस रहे हैं कि जो तुहाडा विश्वास हुंदा ना पूरा, तो तुसीं सुप्रीम पावर नाल, सुप्रीम पावर कह रहे हो यानी परमात्मा दे नाल तुहाडा कनैक्शन जुड़ जाता है, और जो उहदे नाल कनैक्शन जुड़ जाता तो उहदे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं है, उहदे नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करो, यकीन पैदा करो। घटनावां तो बहुत दसन वाली हैं, पर अज खुशियां दे दिन ते काफ़ी गिनती संगत पहुंची है, इसलिए टाइम भी हुण काफ़ी हो रहा है। इसलिए सत्संग नूं थोड़ा आखरले वचन की तरफ लैके जाना है, क्योंकि समझदार वास्ते कि इशारा ही बहुत हुंदा है। इसलिए इत्थे एक गल ये भी कहना चाहवांगे कि जिदा हजूर ने दुआ की तो जिहड़ा पानी कई बार खुदाई करन तो बाद नहीं उन्हूं मिलिया सी, तो जदों हजूर ने बैठ के उत्थे इबादत की दुआ की तो देखो पानी बड़ी आसानी नाल उन्हूं प्राप्त हो गया। ताही तो कहिंदे है कि जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां जमीन ही नहीं वहां पर शजर क्या होगा। शजर किनू कहिंदे बोला? देखिए शजर कहिंदे है पेड़ नू, किनू कहिंदे है पेड़ नू, वृक्ष नू। कहिंदे जिथे जमीन ही ना होवे उत्थे वृक्ष हो सकदा है, क्योंकि वृक्ष दे होण वास्ते जमीन दा होना जरूरी है। इसी तरह किया जाता है कि जिदा वृक्ष दे होण वास्ते जमीन दा होना जरूरी है, इसी तरह दुआवां दे असर वास्ते मुर्शद दा जीवन च होना कह दिओ बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना जमीन तो पेड़ नहीं, तो बिना मुर्शद तो दुआवां च इबादत विच बंदगी च असर नहीं होंदा। ये गल याद रखना हमेशा। ताही तां कहा जांदा ना जे इंसान ने दुनिया की भी कोई गेम खेलनी होवे तां कोच की लोड़ हुंदी है। बोलो हुंदी है कि नहीं? बड़ियां बड़ियां टीमां हुंदियां, चाहे क्रिकेट की टीम है जां जे असीं इंडिया की टीम कहिंदे ना क्रिकेट की, तो उहदा भी कोई कोच है या नहीं? चाहे आस्ट्रेलिया की होवे, इंग्लैंड की होवे, किसी भी देश की टीम होवे, फुटबॉल की होवे, कोच हर टीम विच हुंदा है। कोच का मतलब की हुंदा है? कोच का मतलब उही हुंदा ट्रेनिंग देने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला। इसी तरह जे जीवन च अगे वधना है, कामयाब होना है, तो सानू भी जीवन च मुर्शद रूपी कोच की जरूरत है। फिर असी हर जगह कामयाब सफल होंदे चले जाते हैं। इसलिए मुर्शद के दसे ढंग के नाल, मुर्शद की दसी विधि के नाल जो असी सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर उसकी असर होना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या है कि जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, कि जिथे मुर्शद ही ना हो दुआवां च असर भी की होना है, क्योंकि ढंग ही नहीं है, तरीके का ही पता नहीं कि दुआ की जाए, कि इबादत की जाए, कि बंदगी की जाए। इसलिए जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां जमीन ही नहीं वहां पर शजर क्या होगा। कि जिदा जिथे जमीन ही ना हो वृक्ष नहीं हो सकता, फिर कहोंगे कि वृक्ष के वास्ते जमीन का होना जरूरी है, तो जीवन च कामयाब सफल होने वास्ते दुआ च असर वास्ते इबादत में असर वास्ते कि होना जरूरी है? जवाब दे दियो, कि होना जरूरी है? मुर्शद का होना जीवन च जरूरी है। फिर इंसान दी दुआवां च भी असर हुंदा है, तो फिर इंसान की इबादत विच बंदगी विच भी असर हुंदा है। इसलिए बड़े कर्मां वाले वो जीव हुंदे हैं, बड़े कर्मां वाले वो जीव हुंदे हैं,
जिन्हां नूं कामिल मुर्शद की सोबत नसीब हुंदी है, जिन्हां नूं कामिल मुर्शद की सोबत विच बैठन का मौका मिलता है, या जिन्हां नूं कामिल मुर्शद दे नाल जुड़ के वो रब की बंदगी करन दा मौका मिलता है, फिर जिंदगी च उन्हां नूं कमी भी कोई नहीं रहती, फिर जीवन च खुशियां सफलता कामयाबी भी उन्हां नूं मिलती चली जाती है। इसलिए ता ही तो हज़रत अमीर खुसरो कहिंदे सी, हज़रत अमीर खुसरो बड़ी प्यारी गल कहिंदे हुंदे सी, हज़रत अमीर खुसरो कहिंदे कि मुर्शद के पास बैठ कर रूह सुकून पाती है, पता नहीं फिर क्यों दुनिया मुर्शद को छोड़कर काशी और काबे को जाती है। थोड़ा गौर करना, अमीर खुसरो की कहिंदे हुंदे सी, कहिंदे जदों मैं अपने मुर्शद के कोल बैंदा है ना, तो मुर्शद नूं देख के मेरी रूह नूं वो सुकून मिलता है कि मेरिया सारिया भुखां पूरियां हो जांदियां है। मैनू समझ नहीं आती कि लोग मुर्शद नूं छड्ड के कोई काशी तुरिया, कोई काबे तुरिया है, मक्के तुरिया है, क्यों? जरा गौर करना। कहिंदे एक बार हुण हज़रत अमीर खुसरो की एक घटना याद आ गई सानू, फिर अज के सत्संग की समाप्ति करांगे। हज़रत अमीर खुसरो एक दिन ना अपने मुर्शद निजामोद्दीन औलिया की सोबत में बैठे हुए से, जिदा अज तुसी इस सत्संग बैठे, तो हज़रत अमीर खुसरो समझा रहे सी कुछ अपने प्यारियां नूं, खुतबा चल रहा सी, सत्संग चल रहा सी, कि हज़रत अमीर खुसरो भी बैठे हुए है कि पिछे ना हज़रत अमीर खुसरो का एक नौकर सी, गुलाम सी, वो दौड़ा दौड़ा आया अमीर खुसरो के घरों। जदों दौड़ा दौड़ा आया तो जिथे अमीर खुसरो बैठे से उन्होंने कोल आ के कान च कुछ बोलिया। की बोलिया? कहिंदा हज़रत जल्दी चलो घर, घर ना एक ताजिर आया, एक सौदागर आया मुल्क शाम तो। अमीर खुसरो दिल्ली च है तो ताजिर सौदागर कितों आया है, व्यापारी कितों आया, शाम देश तो। कहिंदे मुल्क शाम तो एक ताजिर आया है, उहदे कोल समा बड़ा थोड़ा है, वो तुहाडे नाल मुलाकात करनी चाहता, कोई सौदे का लैन देन करना चाहता, उहदे च तुहानू हज़ारां लखां का फायदा होएगा। कितना फायदा होएगा? हज़ारां लखां का फायदा होएगा, जल्दी चलो क्योंकि कोई समा थोड़ा है। हुण जरा सच दस्सियो, जे तुसीं सत्संग च बैठे होवो, कोई आ के कह देवे वो चल भाई फलाना जगह ना एक सौदा होने वाला है, वो च तैनू लखां का फायदा होना है, तो तुसीं बैठे रहना या फटाफट दौड़ जाना कि लखां बचावां? तो कई बार तो बंदा देखिया ये दुकान बंद करके सत्संग चला गया तो मैनू 1,000-2,000 का 10,000 का घाटा पै जाना है, क्योंकि दुकान बंद की तो गाहक मुड़ जाएंगे। बंदा हमेशा दुनियावी घाटियां की फिक्र ही करता रहता है, पर अमीर खुसरो वर्गे आशिक देखो की कहिंदे कि जिसने उन्हें कन च किया कि मुल्के शाम तो एक सौदागर आया है, जल्दी चलो लखां का फायदा होएगा, कुछ समा घट है। अमीर खुसरो ने उसकी तरफ देखिया, कहिंदे तैनू लखां दी पई है, समझदे हो कि नहीं? वो जिहड़ा सौदा मैं इत्थे कमा रहा ना, वो अरबां खरबां तो भी कीमती है। तू पैसे की गल कर रहा है, वो मैं अपने मुर्शद दीआं रहमतां जोड़ रहा हाँ, रहमतां कमा रहा हाँ, और मैं मूर्ख नहीं हाँ कि ये रहमतां नूं छड के दुनिया के उस धन नूं कमावां जिन्हें दुनिया च ही रह जाना है। क्योंकि जो मौत आनी है ना, तो उत्थे वो सौदागर का धन नहीं मेरे नाल जाना, उत्थे आ धन मेरे नाल जाना जो इसलिए मुर्शद की सोच बह के मैं जोड़ रहा हाँ। इसलिए वो धन तो व्यापार करके महीने च कई दिन कमाता हाँ, पर आ मुर्शद दीआं रहमतां दा धन तो कदी कदी जोड़न का मौका मिलता है, समझदे हो कि नहीं? आ जिहड़ा धन तुसीं जोड़ रहे हो ना, ये धन ही तुहानूं कामयाबी के दरवाजियां तक लैके जाना है, यानी कामयाबी के दरवाजे तुहाडे वास्ते खुलने हैं, खुशियां के दरवाजे तुहाडे वास्ते खुलने हैं, क्योंकि रब दीआं रहमतां नूं प्राप्त करन वास्ते ना दुनियावी धन नहीं, आ नेकियां दे तन दी जरूरत हुंदी है, जो फकीरां दी सोबत बह के ही दस दिओ कमाया जांदा है। इसलिए समझना, अमीर खुसरो ने अपने नौकर नूं ये गल कही कि उस ताजिर नूं कह दे जे रुक सकदा है तां ठीक है, नहीं तां वह चला जावे, क्योंकि जिहड़े तन दी वह गल करदा, जिहड़े फायदे दी वह गल करदा, मैं उत्तों 1,000 गुणा ज़्यादा फायदा अपने मुर्शद को बह के कमा रहा। इसलिए ये फायदे नूं छड्ड के वो फायदा देखा, मैं मूर्ख नहीं है ना, समझ नहीं है। हुण जिन्हां नूं मुर्शद दे दर्शनां दी कीमत दा पता हुंदा ना, ताही तां गुरबाणी च भी आया है कि दर्शन देख जिमां गुरु तेरा, पूरन कर्म होवे प्रभु मेरा, कि इहदे नाल ही तां कर्म पूरे हुंदे है। सो घटनावां तां होर भी याद आ रही निज़ामोद्दीन औलिया दियां, कि कितना बादशाह अलाउद्दीन खिलजी
उन्होंने दर से गया सी की कुछ होया सी पर हुण समा देखदे तो समा काफ़ी हो गया। इसलिए मालिक ने चाहे तो अलाउद्दीन खिलजी और निजामुद्दीन औलिया की मुलाकात बारे ना ग्यारहवीं वाले सत्संग दसांगे जो कि अगले ऐतवार अज 13 तरीक है अगला ऐतवार कितनी तरीक का है 20 तरीक 20 तरीक दिन ऐतवार 11वीं रोज का पवित्र दिन है जून महीने की 11वीं रोज उस दिन अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनिया कि नहीं उस वेले दिल्ली का बादशाह सी वह जदों निजामुद्दीन औलिया वजूदी तौर पर दिल्ली के रेंदे से कहिंदे बादशाह बड़ा जालिम जिहा सी वह फकीरां दा अदब अदाब नहीं आंदा सी पर कई बार उन्हें निजामुद्दीन औलिया नूं अपने दरबार से आने वास्ते बुलाया तो निजामुद्दीन औलिया ना उन्हें अपने दरबार से आन दिंदे सी ना उहदे दर ते जांदे सी। एक दिन किसी ने पूछा कि हजूर ना तुसीं बादशाह दे दर ते जांदे हो ना उन्हें अपने दर ते आन दिंदे हो कारण की है वह कहिंदे मैं बादशाह दे दर ते जावां समझदे हो कि नहीं मैं बादशाह दे दर ते जावां तो मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं वो दर के अदाब नहीं आते क्योंकि मैं तो एको ही बादशाह जानता हाँ तो उन्होंने अपने दर से आन देव ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्होंने फकीर के अदाब नहीं आते कि फकीर के दर से कि जाया जाता क्योंकि फकीर के दर से जाने के भी अदाब होंगे अदाब का मतलब इज्जत होंगी सत्कार हों और बादशाह इस लायक नहीं है कि फकीर का अदाब वो अंदर हो इसलिए उन्होंने अपने दर से नहीं आन दिता तो आप मैं वो दर से नहीं जाता क्योंकि मैं एको ही बादशाह जानता हाँ उहदे अदाब मैनू पता है अदाब का मैनू पता नहीं है पर उहनू अपने दर ते इसलिए नहीं आन दिंदा कि उहनू फकीरां दे दर दे अदाब नहीं पता कि फकीरां दे दर ते आण दे नियम की हुंदे है तुहानू तां पता है ना फकीरां दे दर ते आण दे नियम। अच्छा किहड़ा किहड़ा नियम हुंदा है भला जल्दी जल्दी गल खत्म करिए जदों भी फकीरां दे दर ते आईए तां निम्रता दे नाल आईए किद्दां आईए निम्रता दे नाल आ जिथे कि जुत्ती लांदे हो ना उत्थे कि हंकार भी ला के आया करो जिते कि जुत्ती लाते हो मन भी उत्थे के छड़ के आ जाया करो तुसी कौन हो तुहाडी डिग्री की है तुहाडी पोस्ट की है तुहाडी कुर्सी केड़ी है जिते जुत्ती लाई ये भी उत्थे रख के आवे जे आगे बंदा लैके आवे ना जिदा दसिया ये डिग्रियां ये पोस्टां ये जींदे जी है रब दे घर नाल नहीं जानियां जानियां नाल जवाब दिओ सच दा दस्यो कि तुसी फर्ज करो MBBS कीती होई है बहुत बड़े डॉक्टर हो तुसी जां MBA कीती होई है जब बहुत बड़ी तुसी डिग्री ली हुई है जो भी तुहाडी नज़रां च बड़ी होवे हुण जदों रब दे घर बंदे ने जाना है मरना है तो फिर बंदे ने उत्थे नाल लै जानी डिग्री है ये पोस्ट नाल लै जानी है ये कुर्सी नाल लै जानी है रह जानी ना इत्थे ही हुण यही तो कहानी है कि रब दे घर डिग्रियां नहीं जांदियां रब दे घर तुहाडा प्रेम जांदा है तुहाडी अच्छाई जांदी है तुहाडियां नेकियां जांदियां है हुण ये भी तो रब दा ही घर है ना इसलिए इत्थे भी डिग्रियां बाहर छड्ड के आया करो इत्थे भी अपनी पोस्ट बाहर छड्ड के आया करो क्योंकि रब दे घर जाना है तो प्रेम लैके जाइए निम्रता लैके जाइए सेवा भाव लैके जाइए अच्छाई लैके जाइए नेक बन के रब दे घर जदों इंसान जाता है तो फिर वो रब नूं कबूल भी हुंदा तो रब नूं गल ना भी ला लैंदा है और जिहनूं वो गल ना ला लवे उहनूं जीवन च कमी कोई कह दिओ रहिंदी नहीं इसलिए तुहानूं भी जीवन च कोई कमियां नहीं रहिणगियां और तुसीं भी अपने अंदर निम्रता अपने अंदर प्रेम पैदा करो और जिदा दसिया यू आर द प्लेसिबो तुसीं अपना हर दुख हर तकलीफ दूर कर सकते हो अगर अपने मालिक ते की होवे विश्वास होवे अगर अपने मालिक ते पूरा विश्वास होवे यकीन होवे तो हर मुश्किल का हल उहदे घर च हो जाता है किसी चीज़ की कमी नहीं है कोई तोट नहीं है कोई घाट नहीं है उहदे दरबार च बस तुहाडे अंदर विश्वास होना चाहिए है क्योंकि तुहाडे अंदर वो परम शक्तिशाली परमात्मा बैठा है जिसने तुहानू पैदा किया तुहाडे अंदर ही मौजूद है बस अपने उस मालिक ते विश्वास करो कि मैं कोई मामूली नहीं हाँ मैं कमज़ोर नहीं हाँ मैं दुखी नहीं हाँ क्योंकि मैनू पैदा करने वाला परम शक्तिशाली परमात्मा है और मैं भी शक्ति का रूप हाँ क्योंकि उसने मैनू पैदा किया है तो कई बार असी दसीदा है कि शक्तिशाली बाप के बच्चे कमजोर कभी हो ही नहीं सकते तुसी शक्तिशाली हो तुसी आनंद का रूप हो इसलिए जरा एक गल कहनी बोलो कहूंगे कि नहीं कि ओ मेरा पिता ओ मेरा मालिक ओ आनंद का रूप है हुण तुसी भी कहो मैं आनंद हूं लंबा साह लैके अखां बंद करके साह बाहर नूं छड़दे होया दिलों कहना है मैं आनंद हूं
आनंद यानी कोई नाम आनंद नहीं, वो फीलिंग आनंद। मैं शांत हूं क्योंकि मेरा पिता शांत है। मैं आनंद रूप हूं क्योंकि मेरा पिता जिसने मैनू पैदा किया वो आनंद रूप है। मैं शक्तिशाली हूं क्योंकि मेरा पिता जिसने मैनू पैदा किया वो शक्तिशाली है। जिस नूर तो तुसी पैदा होए हो नूर कमजोर नहीं है। जिस नूर तो शक्ति तो तुसी पैदा होए हो शक्ति कमजोर नहीं है। जिस शक्ति तो तुसी पैदा होए हो उदे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं है। तो जे तुसी उसी शक्ति तो पैदा होए हो तो तुहाडे वास्ते भी कुछ असंभव नहीं है। तुहाडे वास्ते भी कुछ असंभव नहीं है। असंभव भी संभव हो सकता अगर तुहानू अपने आप से अपने रब से यकीन हो। तो कह दियो मैनू अपने मालिक दे पूरा हुण आखरले वचना च जिदा हमेशा बोली दा है सत्संग की समाप्ति करांगे। और ये भी नाल दस दईए कि तुहाडे वास्ते जिदा दसीदा है कि ये सालाना मेले आते हैं ना निशान साहब की चढ़ाई होंदी सी तां बड़े मालिक या बीबी हजूर अपने हत्थी एक रहमत दिंदे हुंदे सी। उस छट्टा दिंदे हुंदे सी रहमत दा मालकां ने मैंबर ते खड़ जाणा बुक भर के दा छट्टा देना। पर हुण की करिए उसले संगत की गिणती थोड़ी घट सी हुण संगत बहुत इत्थों छट्टा देवांगे ते पिछे तक पहुँचना नहीं है। इस करके फिर कई बार की हुंदा कि जदों इदां छट्टा दित्ता जावे रहमत दा तां फिर कईआं नूं दो दो मिल जांदियां तां कईआं नूं मिलदियां ही नहीं है। इस करके रहमत सत्संग तों बाद सारे झोली पाई जानी सेवादार इधर भी खड़न के इधर भी खड़न के रहमत जरूर लैके जाना। ये यादगार होंदी है कि असीं मालक दे दर ते गए सी तां एक रहमत लैके आए। बाकी गल दरअसल ये मामूली सिक्के की नहीं होंगी कि सिक्का है। गल ये जुड़ी बरकत की होंगी है रहमत की होंगी है। समझते हो कि नहीं? गल ये जुड़ी एक रहमत की होंगी है कि जो वो रहमत इंसान की झोली पै जाती तो फिर कमी नहीं आती। इसलिए तुहानू तां पहला दसता कि रश नहीं करना रहमत सारियां नू मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि धक्का मुक्की नहीं करनी। ये मालिक का घर है। इसलिए दसिया फकीरां दे दर दे नीम हुंदे प्रेम नाल आना है निम्रता दे नाल आना है शरदा दे नाल आना है विश्वास दे नाल आना है। और जेड़ा प्रेम शरदा निम्रता और विश्वास नाल आंदा है वह झोलियां भर के जाता है वह झोलियां भर के तुसीं भरनी है ना। ये विश्वास रखना है यकीन रखना है और ये साडा वचन है तुहाडे नाल। ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਪਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
और बहुत जीवों ने अज इस प्रोग्राम वास्ते निशान साहब की चढ़ाई वास्ते अपने किरत कमाई चो सहयोग दिता है, सेवा कराई है, तो जिन्हें भी जीवों ने सेवा च योगदान पाया है मालिक उन्होंने भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देन, उन्होंने भी कारोबार च मालिक बरकतां देन, उन्होंने कभी किसी के हाथ ना अड़ना पवे, इन्ना मालिक उन्होंने अपनी रहमतां बरकतां बख्शिशां नाल भरपूर करन कि वह बनते फिरन, उन्होंने कभी मंगन की लोड़ ना पवे, मालिक सुख समृद्धि नाल उन्होंने भरपूर करन और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो, जय मालका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संचा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।